एक छोटा सा दिया गया है, देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए पोको एन थ्री लेके आ चुका हूँ। तो आज मैं इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके आपको दूंगा। तो काफी अच्छा ये फोन है, तो इसके फीचर के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को फुल एंड तक देखिए। इसी तरह का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो लाते रहता हूँ, और भी अपने चैनल पे अलग अलग टाइप की वीडियो डालते रहता हूँ। तो आप लोग के लिए जो चैनल काफी अच्छा होगा, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे बगल में पोको एन थ्री रखा हुआ है और काफी इसमें जो है फीचर्स हैं। तो इसके जो हम फीचर के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए साइड में मेरा रखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे पोको की ब्रांडिंग की गई है, पोको एम थ्री और मेड इन इंडिया। और इसमें बैटरी एमएच जो है यहाँ पे लिखा गया है 6000। तो यहाँ पे इसके जो है कि बैक में जो है कि सारे डिटेल दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है कि काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पोको का जो है मॉडल नंबर एम थ्री है, पोको एम थ्री। और जो है कि एम थ्री प्रो भी आ चुका है, लेकिन एम थ्री काफ़ी बेटर भी है। तो इस देख सकते हैं, और मेड इन इंडिया के यहाँ पे ब्रांडिंग आप देख सकते हैं। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, तो फटाफट चलिए हम इसे अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसके बॉक्स को पहले अनबॉक्स कर चुका था। तो यहाँ पे जो है कि कटिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वेट करना पड़ता है। और यहाँ पे जो है इसकी जो एमआरपी दी गई है, एमआरपी दी गई है 14,999, यानी कि 15,000 रुपये इसकी एमआरपी की गई है। तो इतने दाम में आपको नहीं मिलेगा, इससे कम में ही मिलेगा। तो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, या तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर या तो जाके कोई शॉप से भी बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है कि एक बैक केस है, तो यहाँ बैक केस में आपको एक कवर दिख जाएगा इसमें, और एक सिम इजेक्टर आपको दिख जाएगा। तो मैं आपको इस फ़ोन को साइड में रख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं साइड में फ़ोन रखा है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कि सिम इजेक्टर है, और यहाँ पे हमारा एक यूज़र मैनुअल यहाँ पे दिया गया है। तो इसे कैसे यूज़ करना है, तो इसमें सारे डिस्क्रिप्शन में लिखे रहते हैं, इसे साइड रखते हैं। और यहाँ पे हम जो कवर दिया गया, सबसे मेन बात फ़ोन में कवर रहना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं फ़ोन गिरता है तो टूट उट जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट कवर दिया सन बना रहेगा, और आपका फ़ोन जो है गिरने टूटने से बचेगा। तो इसमें काफ़ी अच्छा जो काम किया कंपनी ने, कवर दिया है साइड में। तो इसे हम अपने जो मेन फ़ोन की तरफ आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पोको एम थ्री है। तो इसे हम अनबॉक्स करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे येलो कलर में काफ़ी प्रीमियम आपको लगेगा, देखिए फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है येलो कलर में। और बिग स्क्रीन है यहाँ पे, आपको देख सकते हैं। तो इसे जो है कि यहाँ पे आपको बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएंगे, लेंस काफ़ी अच्छी इसकी दी गई है, और यहाँ पे एक फ्लैश लाइट छोटा सा दिया गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे पोको की ब्रांडिंग की गई है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सा किया गया है। और यहाँ से हम फोन अपना जो है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे दो वॉल्यूम रॉकर है, वो यानी कि आपकी आवाज़ कम बेसी करने के लिए। और एक यहाँ पे पावर की जीत दिया गया है, तो इसे हम फटाफट ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ोन को बूटअप में कर दिया है, तो यहाँ पे बूटिंग हो जाएगा। ये देखिए हो चुका है, बटन थोड़ा सा प्रेस करने में टाइम लग गया। तो यहाँ पे फ़ोन हमारा फटाफट बूटअप हो चुका है, और जो है पोको की जो है ब्रांडिंग आपको शो कर रही है, और नीचे में एंड्रॉयड लोगो आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे MIUI जो है 12 आपको देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन में, और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर है फ़ोन के अंदर। तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। तो आप लोग को ये फ़ोन जो है कैसा लगा, और आप लोग भी इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है बूटिंग हो चुका है, और यहाँ पे MIUI 12 आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा जो है फीचर है। और जो भी इसमें फीचर आएंगे, आप लोग को अपडेट करिएगा, तो आप लोग को नए नए फीचर देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे जो है इसमें सिस्टम दिए गए हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ से करके यहाँ पे लैंग्वेज उंग्वेज सेलेक्ट करके आप लोग सेट कर लीजिएगा। और चलिए हम इसके चार्जर और डाटा केबल की बात करें, फ़ोन को साइड में रखें, तो देख लीजिए एक बार फोन को फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छे लुक में है। तो हम इसे साइड में रखते हैं, और इसके जो है चार्जर की बात करते हैं। तो चार्जिंग आपके फ़ोन का भी ज़रूरी है, मेन बात आपको फ़ोन जल्दी से चार्ज चाहिए, और पूरे आपको यूज़ करना है। दो दिन आपको तो बैटरी बैकअप 6000 आराम से चल जाएगी। तो यहाँ पे 18 वॉट का ये चार्जर है, काफ़ी हैवी चार्जर आपको दिया गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है हमारा टाइप सी डाटा केबल है। तो ये इस तरह से आप लोग इसे बाई कर सकते हैं फ़ोन को, काफ़ी अच्छा है फ़ोन। तो इससे आप लोग को जो है कि गेमिंग और जो है कि नॉर्मल यूज़ में भी आपको ये फ़ोन काफ़ी अच्छा जो है फील देगा, इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड, तो आप लोग को फ्रेंड मेरा वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो किस फ़ोन के ऊपर मैं वीडियो लाऊं, और किस चीज़ टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स, चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।